वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। दोस्तों आज हम लोग सुपर टेट के कट ऑफ के बारे में देखेंगे कि अगर मान लीजिए आपकी वैकेंसी अगर 17,000 ही आती है तो आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि आपका एकेडमिक 25 है या 25 के लगभग है, आगे पीछे एक दो नंबर, या 30 के आगे पीछे है, तो एक 25 जिसका गुणांक एकेडमिक में 25 बन रहा है उनके लिए कितना सेफ स्कोर सही रहेगा, सुपर टेट में कितना नंबर लाना होगा, और जिनका एकेडमिक में 30 नंबर या 30 नंबर से ज़्यादा और थोड़ा कम है उनको कितना स्कोर करना पड़ेगा, ताकि आप अगर 17,000 वैकेंसी आती भी है तो आप एक सेफ आपकी एक सीट पक्की हो सके। तो इसका पहले हम लोग रेफरेंस लेंगे 69,000 भर्ती से, ठीक है, 69,000 भर्ती से, ताकि हम देखेंगे कि 69,000 भर्ती में कितने बच्चों ने अपीयर किया, कितने बच्चे सेलेक्ट हुए और कितने बच्चे अभी बाकी हैं, और इस बार जो 17,000 वैकेंसी आएगी उसमें कितने बच्चे शामिल होंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम देखते हुए एक कट ऑफ जारी करेंगे, जिससे आप लोग उसी को टारगेट करके, उतने ही गुणांक को टारगेट करके आपको पढ़ाई करना है कि हमें सुपर टेट के लिए इतनी पढ़ाई करनी है। अगर मेरी एकेडमिक 30 है तो मुझे सुपर टेट में इतना नंबर लाना है, अगर मेरी एकेडमिक 25 के लगभग है तो 25 के लिए मुझे कितना स्कोर लाना होगा सुपर टेट में। तो ये आपको एक आइडिया मिल जाएगा और आप लोग पढ़ाई शुरू कर देंगे। ठीक है, आप लोग वैकेंसी का इंतज़ार मत करिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि 69,000 भर्ती, जो कि दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आया था और 6 जनवरी को पेपर हुआ था, इसमें क्या हुआ था कि लगभग 5,40,000 बच्चों ने अपीयर किया था इस एग्ज़ाम में, जिसमें से 1.5 लाख के लगभग बच्चों ने पास किया था। हालांकि 1.5 लाख नहीं थे वो, लेकिन हम मान लेते हैं कि 1.5 लाख बच्चों ने पास किया था, 1,40,000 की 1,39,000 बच्चों ने पास किया था। ठीक है, जिसमें से चयन हुआ 67,500 लोगों का। तो देखिए, इस 1.5 लाख में से 67,500 लोगों को अगर घटा दिया जाए तो पिछली बार की वैकेंसी में इतने बच्चे अभी भी मतलब तैयारी कर रहे हैं, मतलब इस वैकेंसी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये वो बच्चे हैं जो ऑलरेडी सुपर टेट एक बार पास कर चुके हैं, यानी 82,500 बच्चे। ठीक है, तो ये 82,000 मान के चलिए कि मान लीजिए हम 80,000 ही इनको मान लेते हैं। ठीक है, 80,000 बच्चे ही हम इनको मान लेते हैं। तो देखिए, अगर 80,000 बच्चे ये हो गए, अब प्लस आपको पता है कि दो बार यूपी टेट हो चुका है, दो बार सी टेट हो चुका है, तो अगर मान लीजिए कि अगर 4-4 लाख लड़के भी, मतलब दो दो या तीन तीन लाख लड़के बैठते भी पास हुए हैं, तो मान के चलिए कि कम से कम 8-9 लाख बच्चे इस बार वैकेंसी में शामिल होंगे 17,000 वैकेंसी में। तो देखिए, जो 69,000 की जो काउंसलिंग हुई थी, ये 3 काउंसलिंग में इनका चयन हुआ था। पहली काउंसलिंग हुई थी 31,277 लोगों की, यहाँ पे डाटा दिया हुआ 31,277 लोगों की, जिनका मिनिमम कट ऑफ गया था जनरल का 71%। इससे ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि जिनका 71% गुणांक बन रहा था उनका फर्स्ट लिस्ट में नाम आया था जनरल कैटेगरी का। ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी का कट ऑफ गया था 67, और SC ST की बात करें तो SC ST का कट ऑफ गया था 65 से 64, यानी 64-65 गुणांक इनका गया था। अगर सेकेंड काउंसलिंग की बात करें तो सेकेंड काउंसलिंग में 36,590 बच्चों को मतलब लिस्ट निकला था, सेकेंड काउंसलिंग में 36,590 बच्चों का। अगर जनरल की कट ऑफ की बात करें तो जनरल की कट ऑफ गई थी 67 point something, ये एक अनुमानित डाटा है, ये सही डाटा नहीं है। ठीक है, तो ये एक अनुमानित डाटा है। तो ये चीज़ें हैं, तो मान लीजिए कि उनका कट ऑफ गया था मिनिमम, जो सेलेक्ट जिनका लिस्ट आया नाम में, उनका 67 जिनका कट ऑफ था जनरल में, उनका नाम आ गया था सेकेंड लिस्ट में। और अगर ओबीसी और एससी की बात करें तो 64 से 65 जिनका गुणांक था उनका इस लिस्ट में नाम आ गया था। और अगर SC ST की बात करें तो SC ST का 60 और 61 में हो गया था, सेकेंड लिस्ट में नाम आ गया था। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि थर्ड काउंसलिंग में, तो थर्ड काउंसलिंग हुई थी आपकी इसी साल 2021 के जुलाई में, और ये इसमें 6,000 बच्चों ने मतलब इनमें इनका नाम आया। थर्ड काउंसलिंग में 6,000 बच्चों का सिलेक्शन लिया गया। तो अगर इनकी मिनिमम गुणांक की बात की जाए तो जनरल की 65 गई थी, ये ऊपर नीचे भी कुछ हो सकता है क्योंकि ये अनुमानित गुणांक है। ठीक है, और ये हुआ था 63 से 64, ओबीसी का 63 से 64 गुणांक गया था मेरिट, और इनका गया था 57 से 58, ये हुआ SC ST का गुणांक जो गया था थर्ड काउंसलिंग के लिए 57 से 58 नंबर गया था। ठीक है, तो ये रहा 69,000 भर्ती का डाटा। वैकेंसी कितनी थी 69,000, बच्चे कितने पास हुए थे 1,40,000, यानी एक सीट पे कम से कम दो बच्चों की ही फाइट थी। लेकिन अभी जो वैकेंसी है, जो सुनने में आ रहा है कि 17,000 आएगी, अगर मान लीजिए सिर्फ 17,000 वैकेंसी आती है तो मान के चलिए कि 7 से 9 लाख के बीच लड़के अपीयर होंगे।
तो आप जोड़ सकते हैं इस 7 से 9 लाख में, 7 से 9 लाख के बीच में अगर 17,000 से भाग देके आप ये निकालिए कि एक सीट पे कितने बच्चों की फ़ाइट होगी। तो इस बार कंपटीशन भी टाइट होगा, क्योंकि क्योंकि लड़के भी इस बार अच्छे हैं और क्वेश्चन भी अच्छे सेट हो सकते हैं इस बार। क्योंकि आप लोग, इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोग वैकेंसी का इंतज़ार मत करिए कि वैकेंसी आएगा तब पढ़ेंगे, तब तक बहुत लेट हो चुका रहेगा और जो ऑलरेडी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनसे आप बहुत पिछड़ जाएंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा जिसका गुणांक है कि जो सोच रहा है कि मेरा 30 है 34 गुणांक है तो हम बहुत खुश हैं, तो खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे गुणांक वाले लोग सुपर टेट पास भी नहीं कर पाए। तो इस चीज़ को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अब हम अगर बात करें कि अगर मान लीजिए कि 17,000 ही वैकेंसी आएगी और अगर 7 से 9 लाख के बीच में लड़कों ने फॉर्म डाला है, मतलब अपीयर होंगे, तो जनरल की कट ऑफ कितनी जाएगी, ओबीसी की कितनी जाएगी और एससी एसटी की कितनी जाएगी। तो देखिए, अगर जनरल की बात करें तो जनरल की कट ऑफ जाएगी 75+, ये 75+ माइनस भी हो सकता है, यानी 74, 75 से, मतलब 75 से ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट देखिए बहुत ज़्यादा हैं और क्वेश्चन कैसा आएगा ये कोई नहीं जानता। तो क्वेश्चन के पैटर्न पे भी कट ऑफ डिसाइड होता है। मान लीजिए बहुत टफ क्वेश्चन बना दिए आयोग, मान लो पीएनपी ने, तो ये कट ऑफ नीचे भी जा सकता है। अगर मान लीजिए बहुत इजी बन गया तो ये कट ऑफ ऊपर भी जा सकता है। और ओबीसी के मान के चलिए, ओबीसी जो कैंडिडेट है वो 74+ का टारगेट लेके चले कि उनका गुणांक 74+ होना चाहिए, ठीक है। और एससी एसटी की बात करें तो इनका भी 70+ गुणांक होना चाहिए, ये मान के चले आप लोग। इससे नीचे नहीं जाना है, इससे नीचे जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए जिसकी एकेडमिक 25 है, मान लीजिए किसी की एकेडमिक क्या है 25 है, तो उसको कितना नंबर सुपर टेट में लाना होगा। तो यहाँ पे मैंने डाटा दिया हुआ है। अगर मान लीजिए कि आपको पता है कि अगर सुपर टेट में 120 नंबर अगर आप लाएंगे, अगर सुपर टेट में कोई लड़का 120 नंबर लाता है तो उसका गुणांक कितना बढ़ेगा, 48 गुणांक बनेगा, ठीक है। सुपर टेट का सिर्फ ये 48 गुणांक बनेगा। गुणांक कैसे निकालते हैं, कैसे उसको ऐड करते हैं, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके, मतलब जाके वीडियो को देख सकते हैं, कृष्णा एकेडमी पे प्लेलिस्ट में भी पड़ा होगा, सुपर टेट की कैसे तैयारी करें उसमें होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि आपने 120 प्रश्न सॉल्व किया तो आपका गुणांक कितना बन रहा है, 48, यानी आपका गुणांक कितना बना, 48। तो अगर मान लीजिए कि अगर आपकी एकेडमिक 25 है, अगर आपने 10th, 12th ग्रेजुएशन और BTC मिला के अगर आपकी गुणांक 25 बनता है, तो 25 में 48 जोड़ेंगे तो कितना गुणांक आ रहा है, आपका फाइनल गुणांक आएगा 73, यानी कि अभी भी आपको प्लस 2 गुणांक चाहिए। तो आपको पता है कि सुपर टेट में अगर आप प्रत्येक 5 प्रश्न सॉल्व करेंगे, यानी 5 क्वेश्चन सही करेंगे, तो आपका गुणांक बनेगा 2, ठीक है। तो आपका गुणांक अभी कितना है, 25 में 120 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया सुपर टेट में, तो अगर आपकी एकेडमिक 25 है तो सुपर टेट में अगर 125 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया तो आपका गुणांक कितना बन रहा है, 48, और 48 में 25 जोड़ रहे हैं तो आपको कितना बन रहा है, 73, यानी आपको अभी प्लस 2 अंक, प्लस 2 गुणांक चाहिए। तो ये 2 गुणांक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 5 प्रश्न सही करने पड़ेंगे। यानी अगर आपकी एकेडमिक 25 है तो आपको सुपर टेट में कम से कम 125 का टारगेट करना ही पड़ेगा। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 125 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि 125 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आपका गुणांक 75 टच करेगा, ठीक है, 75 होगा, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए कि अगर आपका गुणांक 30 है, अगर मान लीजिए किसी का एकेडमिक में गुणांक 30 है, ठीक है, तो आपको पता है कि सुपर टेट में अगर आप 100 क्वेश्चन सही करेंगे तो आपका गुणांक कितना बनेगा, 40 पर बनेगा। आपका सुपर टेट का गुणांक कितना होगा, 40 होगा। तो इस 30 में 40 को जोड़ेंगे तो आपका गुणांक कितना आएगा, 70 आएगा। यानी आप अभी भी, आप क्या है, आपका 70 है, यानी अभी आपको प्लस 5 गुणांक चाहिए। तो अभी आपको कितना चाहिए, प्लस 5 गुणांक चाहिए। और आपका अगर मान लिया एकेडमिक 30 है और आपने सुपर टेट में 100 नंबर को सॉल्व किया, 100 नंबर सही किया, तो आपका गुणांक कितना बन रहा है, 40 बन रहा है। तो 40 30 को ऐड करेंगे तो 70, यानी आपको 75 लाना है इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए, तो अभी आपको प्लस 5 गुणांक चाहिए। तो आपको पता है कि प्रत्येक 5 प्रश्न पर कितने गुणांक बन रहे हैं, 2 गुणांक बन रहे हैं। तो अगर आपको आपको 5 गुणांक बनाने के लिए कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 5 × 10 और 10 × 10 = 13, यानी कि आपको कम से कम 115, यानी 113 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं, तो मान के चलिए कि आप अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो 75 गुणांक आपका होगा। लेकिन आपको भी अगर आपका एकेडमिक अगर 30 प्लस है या 30 है, तो 30 के लिए कम से कम आपको सुपर टेट में 115 क्वेश्चन लाना होगा,
तभी इस गुणांक को आप जनरल में 175 गुणांक को आप टच कर सकते हैं। तो आपको एक आइडिया लग गया कि अगर जिसका एकेडमिक 25 है तो उसको 125 प्लस क्वेश्चन किसी भी हालत में लाना है, क्योंकि तभी आपका टोटल 75 गुणांक बनेगा। अगर आपका एकेडमिक 30 है तो आपको 115 क्वेश्चन लाना ही पड़ेगा, तभी आपका 75 प्लस गुणांक बनेगा। और इसी तरीके से अगर आप ओबीसी हैं और एससी एसटी हैं तो आप इसी तरीके से अपना निकाल लीजिए और आप चेक कर लीजिए कि आपको कितना परसेंट गुणांक लाना होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग तैयारी जिसका 30 प्लस है या जिसका 30 है या 30 के आगे पीछे है वो टारगेट करें 115 प्लस क्वेश्चन का। जिसका 25 से आगे ऊपर नीचे है वो टारगेट करें 125 प्लस क्वेश्चन का। तब आप इस एग्ज़ाम के लिए एक सीट अपनी पक्की कर पाएंगे, यानी कि आप सेफ जोन में रहेंगे, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इस बार लड़के 7 से 9 लाख लड़के अपीयर होंगे, तो आप सोच सकते हैं कि कंपटीशन कितना तगड़ा है। तो दोस्तों ये था कट ऑफ, और आप आई होप आपको कुछ अनुमान लगेगा कि आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है। तो तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। आप लोग देख बार बार यही पूछते हैं कि वैकेंसी कब आएगी। आप अपने आप से ये पूछो कि क्या हमारी तैयारी हो गई है। वैकेंसी तो आएगी ही आएगी, क्या आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है? अगर आपके मन से अगर ये आवाज़ आ रही है कि हाँ मेरी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, तब आप वैकेंसी का इंतजार करिए कि वैकेंसी क्यों नहीं आ रही, क्यों तब प्रश्न में। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो पहले आप अपनी तैयारी करिए, इतना जान लीजिए वैकेंसी इसी साल आएगी। बस आपको तैयारी करना है और एक सीट पक्का करना है तो मेहनत अभी से करना है, वरना फिर आप लोग रुक जाएगी आपका सलेक्शन, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।